नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। भोपाल समेत देश भर में हिट एंड रन से बचने के लिए सरकार के बनाए गए कानून का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रक बस टैक्सी ड्राइवरों की केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार के बनाए गए नए नियम और कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरने का प्रावधान है। इस नए कानून को लेकर ड्राइवर संघ में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है। हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। भारत के आपराधिक कानून में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें से एक कानून हिट एंड रन का भी है। दरअसल हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होने के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त कर दिया है। वहीं हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में एकत्रित किया गया है। इसके अनुसार गलत ड्राइविंग और लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी, साथ ही चालक को 7 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। काले हैं नियम कानून, इसके विरोध में गाड़ी खड़े किए हम लोग। ये तो अभी 3 तारीख तक बोले हैं, आगे भी बढ़ सकता है अगर नियम चेंज नहीं होगा तो। अमित शाह जो भाषण जो मतलब बिल पेश करे हुआ है, हमारा ये पेश करे हुआ है कि 5 साल तक मतलब 10 साल सजा है, 5 लाख रुपया जुर्माना है। वही अगर हमारे पास इतना पैसा रहती तो हम मन का है नौकरी मिल जाते। अमित शाह जी गृह मंत्री जो है, हम राहुल भाई के ऊपर जो धारा लगाए हैं और जो प्रावधान चालू होने वाला है, हम उसका विरोध करते हैं और ये 10 साल का जो सजा है इसको वापस दिया जाए। अगर इतनी पैसा अगर राहुल भाई के पास रहता तो काहे की नौकरी करता, काहे की करते हैं। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून में सख्त सजा देने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, साथ ही ट्रक और टैक्सी चालकों ने भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जिसका असर अब शहर के सभी पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पेट्रोल की कमी होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो हम चाहे थे मुजफ्फरनगर से ट्रेन से आए थे बिलासपुर के स्टेशन बस स्टैंड, यहाँ पर बस नहीं चल रही है ना, तो हमें कवर्धा जाना है। कवर्धा से सीधा पिपरिया जाना है, खाना बैरा कोलो में काम करते हैं। नए कानून हम लोग को मंजूर है, समझो भी है। हम लोग तो बाल बच्चा को नौकरी पढ़ाना लिखाना, हमारा दीदी को पूरा परवृत्ति दे सकता है घर वर वर। ऐसा है नया कानून निकला है, साल भर में आदमी 7 लाख 10 लाख रुपए कमाने पाता ड्राइवर लोग। मैं भी ड्राइवर हूँ, है ना, मोटर मालिक भी हूँ। साल भर में आदमी 10 लाख रुपए कमाने पाता है, 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाने पाता है। खर्चा इतना है कि घर गृहस्थी जाने में खुद नेता लोग को पता कितना खर्चा लगता है, जैसा पैसा आता है उसे खर्चा होता है, है ना। तो कौन साल भर में 7 लाख 10 लाख कमा जाएगा। 1 तारीख से हड़ताल है श्रीमान जी, और 3 तारीख तक अभी समय है, लेकिन जब मांगे पूरे हो जाएंगे तो फिर 3 तक में खत्म हो जाएगा, नहीं फिर चलते रहेगा, हम लोग सब घर जाएंगे। ड्राइवर संघ द्वारा आज जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ बस स्टैंड चौक में गाड़ियों को रोक करके अपना जो है चक्का जाम करने की स्थिति की है, जिनको समझाई दी गई है तो छोटी छोटी गाड़ियों को आने जाने दिया जाए। तो जिस तरीके से हिट एंड रन कानून को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, बदलाव की मांग लगातार की जा रही है,
और विरोध भी देखने को मिल रहा है, पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ रायपुर से आरके गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी, जिस तरीके से ये मांग की जा रही है कि जो बदलाव इसमें किया गया है, क्योंकि पहले देखिए सजा का प्रावधान अलग था, कम था, और अब 10 साल की सजा और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना जो भरने का कहा गया है, उसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। सबसे पहले इसको समझने की हम कोशिश करते हैं आपसे।